अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर नगर परिषदेच्या विद्यमाने शहरामध्ये करण्यात येत असलेल्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन तसेच तूर खरेदी केंद्रांचे उद्घाटन आज जलसंपदा मंत्री नामदार गिरीश महाजन यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। शहरातील सुपारीबाग येथील बगीचा, शास्त्री नगर येथील खुल्या भूखंडाचा विकास, इंदिरा आवास भागातील गटारी तसेच रस्ते, मुस्लिम कब्रस्तान च्या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम, सय्यद करीम हॉलच्या पेव्हर ब्लॉक आणि डोमचे बांधकाम, उमर इस्टेट मधील खुल्या भूखंडाचा विकास, मदनी नगर व्यायामशाळेचे भूमिपूजन, गीताई नगरातील खुल्या भूखंडावर बांधण्यात येत असलेल्या सामाजिक सभागृहाचे भूमिपूजन अशा विविध भागातील विकास कामांचा शुभारंभ आज नामदार गिरीश महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आला। दादा खुशी हो रही है ये हमारे लड़के नेता भारतीय नामदार गिरीश महाजन भेटी के वजन से अरे कौन सा तरीका तुम्हारा इसे माइक ला के करे चलो चलो पर बैठे सभी सुबह से बोल रहा था माइक को दादा बंद करो पदाधिकारी मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों बच्चे ज्यादा है यहाँ पर। आज अपन जामनेर शहर में आज सुबह से कितने चार पाँच छह काम के भूमि पूजन अपन ने यहाँ पर किया है। उसकी शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं और मैंने कहा आने वाले तीन महीने चार महीने में सब काम पूरे हो जाने चाहिए। बिस्मिल्ला नगर में एक शादी खाना अपन ने वहाँ पर लिया है, उसके लिए कितने पैसे है? 70 लाख 70 लाख रुपए वहाँ पर दिए। करीम हॉल के सामने 56 लाख रुपए एक डोम करने के लिए, वहाँ के नीचे जो ब्लॉक है वो बैठाने के लिए वहाँ पर दिए। अपनी जिम है 53 लाख जिम के लिए, बच्चे पीछे हो जाओ रे, तिरपन लाख रुपए। मुझे लगता है जामनेर शहर में सबसे बड़ी जिम ये अपनी होगी। ये 5 गुना बड़ी जिम अपने गांव में अपन यहाँ पर बना रहे, उसका भी भूमि पूजन अपन ने किया है। कब्रिस्तान का कंपाउंड वॉल उसके लिए 25 लाख रुपए अपन ने दीवार के लिए वहाँ पर दिए है। वहाँ पे अंदर जो ब्रिज है वो भी बनाने के लिए अपन ने कह दिया है। बोल दिया करीम हॉल के भी बोल दिया सब कुछ लगता है। अभी तक के ये 2 साल में करीब करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपए के काम अपन ने अपने एरिया में यहाँ पर किए। मुझे लगता है पहली बार ग्राम पंचायत से आज तक इतने पैसे अपने एरिया में मिले होंगे। आपने देखा होगा पिछले साल जब हम यहाँ पर आए तो सब लोग बता रहे गटर देखो कैसी है, पानी यहाँ पे उल्टा बह रहा है, कितनी गंदगी यहाँ पर है, रस्ते देखो। अब आप देख रहे हैं 2 साल में अपन ने पूरी गटर बना दी है। मुझे नहीं लगता किसी की गटर यहाँ पर बची होगी क्योंकि जो बनी नहीं है सब गटर नहीं बना दी है। और अभी तो गटर का भी काम नहीं पड़ेगा। अपन ने 80 करोड़ रुपए लाए और अपने घर से मोरी से टॉयलेट से निकलने वाला जो पानी है वो डायरेक्ट अभी पाइप में नीचे जाएगा 5 फीट। वो पूरे गाँव का पानी नदी पे आम्बिल रोड जिधर है पूरे पे वहाँ पे अपन ने 4 एकड़ जमीन ली है वहाँ पर जाएगा, वहाँ पे उस पर ट्रीटमेंट होगा, वो पानी वापस सब अच्छा बनाया जाएगा, वो किसानों को दिया जाएगा, खेती के लिए काम में आएगा या फिर नदी में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो पानी पूरा प्यूरिफाइड करके शुद्ध करके वो पानी वापस काम में आने वाला है। क्या अभी जो गटर वहाँ पर बन रही है इसका काम साली बारिश में जो पानी गिरेगा वो ले जाने के लिए। अभी कोई भी घर का पानी टॉयलेट का बाथरूम का कोई भी गंदा पानी जो भी होता है अपना नहाने धोने का वो गटर में नहीं आएगा। और इसके लिए इस वजह से वहाँ पर जो स्वच्छता है जो मच्छर होते हैं डास होते हैं मक्खियाँ होती है जो गंदगी बास होती है ये सब कम हो जाएगा। उससे मतलब जो बीमार आदमी गिरता है उसका कारण यही है कि ये सब अपनी नालियाँ है गंदगी है इसके वजह से ये होता है वो पूरा अपन साफ कर रहे हैं। कोई भी गटर में अभी अपने घर का नहाने का टॉयलेट का बाथरूम का पेशाब का पानी वहाँ पे नहीं जाएगा, बारिश का पानी जो है वही खाली गटर से बहेगा। और वो गटर की भी सब पूरी व्यवस्था सोटक का अपन ने यहाँ पे कर दी है। पिछले टाइम अपन आए तब यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी,
अपन आते बराबर पूरी लाइट की व्यवस्था यहाँ पर करती है। रास्ते के काम मुझे पता है, अपने सब रास्ते के काम किए, वापस फोड़ने पड़े, वापस वो नाली बन रही है। वाटर सप्लाई आपने देखा होगा कि अपने 40 करोड़ ला के पूरी पाइपलाइन नहीं कर दी है, पूरा शुद्ध पानी मतलब बिस्लरी बाटल में भी पानी दे रहे, उससे भी 4 गुना शुद्ध पानी अपन अपने ट्रीटमेंट करके पूरे गांव को दे रहे हैं। पहले 250 कनेक्शन वॉल सुबह से आदमी घुमाते, दिन भर घुमाते रहते ना, कभी खत्म ही नहीं होता वॉल घुमाने का काम। अभी अपन ने सब बंद कर दिया है, अभी 2 वॉल घुमाओ तो पूरे गाँव को पानी चले जाएगा। अपने 2 टाकियाँ पहले थी तो अपने 16 टाकियाँ बना ली गाँव में, अपनी बाजार की टाकी जो अपन ने गिराई वो 1 लाख लीटर की थी, अभी अपन ने 5 लाख लीटर की टाकी ले ली है, 12 लाख लीटर की, 2 लाख से 12 लाख लीटर की पटाखी अपन ने वहाँ पर बना ली है, दूसरी 8 लाख लीटर की है। पूरे कॉलोनी में अपन ने टाकी कर दी है, सोनमंडली पे अपन ने प्यूरिफाइड मशीन बैठा दिया, वहाँ से पानी शुद्ध होकर पूरा ट्रीटमेंट होकर यहाँ पर नीचे आता है, धरण से पानी वहाँ पे आ रहा है। अभी भी 3rd-4th दिन पानी अपने को मिलता है। मैंने अभी पिछले महीने में 12 करोड़ रुपये और लाए, नई पाइपलाइन अपन ने वापस डैम से ले ली, वापस सोलर सिस्टम लगा दिया, लाइन रहो क्या ना रहो वहाँ से पूरी लाइन उसको मिलेगी और 12 करोड़ के पाइप से पानी वापस वहाँ पर आएगा। और 2 महीने में आने वाले 2 महीने में जैसे 3 महीने में हम लोग हर रोज अभी पानी देंगे, अभी कोई 2 दिन रुकने का काम नहीं, 3 दिन रुकने का काम नहीं, अभी नल को पानी डेली आएगा, हर रोज आएगा और अभी प्रेशर से आएगा। अभी मोटर बिठाओ पंप बिठाओ ऊपर के मतलब पानी जा रहा है, ऐसे होगा नहीं, नई पाइपलाइन के वजह से पूरी नई टाकियाँ बनने के वजह से पूरे प्रेशर से पानी आएगा और ऊपर के मतलब तक बिना पंप से बिना मोटर से उठाएगा। मुझे लगता है कि अपन ने गाँव में बहुत सारे काम किए, आप देख रहे हैं गाँव का पूरा नक्शा अपन बदल रहे हैं, पूरा नक्शा बदल रहे हैं। अपना इधर का पीछे का रोड था अपन ने बोर्ड रोड को मिला दिया, इधर के स्कूल तरफ का रास्ता अपन ने उधर मिला दिया है, ट्रका को आने जाने को तकलीफ थी तो अपन ने उधर से भी बाहर से रास्ता निकाल दिया है। बहुत सारे ऐसे काम है, मुझे बंजारा समाज का ग्राम 10,000 लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनके फोन पे फोन आ रहे हैं, मुझे वहाँ पे भी जाना है। मैं सबका मैं भी गिनाऊंगा नहीं, जब भी अपनी सभा होगी, अभी इलेक्शन है तभी सभा पर सभी बातों की मतलब सभी बात वहाँ पर करेंगे। लेकिन 8 करोड़ रुपए करीब करीब अपन ने अपने एरिया में यहाँ पर दिए, और भी आपने जो जो भी काम आज बोले मैंने तुरंत बोल दिया है कि उनका सर्वे करो, वो भी काम शुरू कर दे। सबसे यहाँ मुश्किल ये थी कि यहाँ शादी खाने नहीं थे, अपने करीम हॉल था तो भी हॉल था क्या नहीं था, 2 ही रूम थी वहाँ पे सामने, तो इसी मिट्टी में हम लोग खाना खाने बैठते थे, इतने गंदगी में फपूटे में से हम लोग, इतना मुझे भी बुरा लगता था। और इसलिए अपन ने अभी एक नहीं अपन ने 3 हॉल बना दिए, अपन ने अभी यहाँ आपने देखा होगा यहाँ बिस्मिल्ला नगर में वहाँ पे अपन ने कितने पैसे दिए, 70 लाख रुपए दिए, वहाँ पे ऊपर से पूरा डोम डाल रहे हैं, नीचे पूरा ब्लॉक बिठा रहे हैं, अच्छा बड़ा स्टेज कर दिया, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, मुशायरा हो, गाने बजाने का कार्यक्रम हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, शादी हो, वहाँ पर पूरे 2 बड़े रूम बना दिए, टॉयलेट बाथरूम बना दिए है, खाना बनाने की व्यवस्था अपने अलग से शेड कर दिया है, और पूरा शेड करके वहाँ 2,500 लोग बैठेंगे, 2,000-3,000 लोग बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था अपन ने वहाँ पर की है। करीम हॉल खाली नाम के लिए था, 2 ही रूम थी, आगे से पूरी मिट्टी भट्टी पड़ी थी, वहाँ पर कोई मतलब नहीं था, बार बार शादी में जाओ तो अपने को वहाँ टेंट डालना पड़ता था, अभी टेंट डालने की जरूरत नहीं। अपन ने पूरा डोम जो बड़ा ऊपर से आता है खतरे का, वो अपन ने वहाँ पर दे दिया है, 60 लाख रुपए अपन ने वहाँ पर दे दिया है, 8,200 चौरस फुट हाँ, और करीब करीब 8,500 स्क्वायर फुट का मतलब 3,000-4,000 लोग बैठेंगे एक ही टाइम में वहाँ पर, इतना बड़ा डोम अपन ने वहाँ पर कर दिया है, वहाँ पर पूरा नीचे ब्लॉक अपन ने डाल दिया है, सब पूरी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था वो अपन कर, बिस्मिल्लाह में वहाँ पे उधर के इलाके में वहाँ भी शादी की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी अपन ने एक डोम दे दिया, उसके भी पैसे मंजूर कर दिए, उसका भी अपन ने भूमि पूजन कर दिया। कल परसों से थोड़ा अतिक्रमण का मसला है, उनको हमने कहा कि हम तुमको दूसरी जगह दे देंगे, वहाँ घर बना लो, ये तो अतिक्रमण की जगह है, तो वो लोग अगर हट जाते हैं तो कल परसों अपन वो भी काम शुरू कर देते हैं, और ये सब काम अपने को 3 या 4 महीने में पूरे करने के हैं। इलेक्ट्रिक पोल का भी काम वहाँ पर है, वो भी अपन वहाँ पर कर देते हैं, जो जो भी काम अपने बच्चे हैं ये महीने भर में वो भी अपन पूरे कर देंगे। गांव में अपना एक भी काम ऐसा नहीं रहने को ना कि अपने इलेक्शन के टाइम आप बताएंगे क्योंकि भाई ये काम हमारा हुआ नहीं, 100% काम कर रहे हैं, और इसलिए काम हो रहे हैं कि अभी सरकार अपनी है, मैं मंत्री हूँ, अगर मैं मंत्री नहीं रहता तो 20 साल से या तो सरकार अपनी थी लेकिन अपने पास 5 करोड़ भी नहीं रहते थे, अपन ने ये 2 साल में 1.5 साल में 300 करोड़ रुपए गांव के लिए लाए, कितने लाए, 300 करोड़ रुपए लाए, पूरे वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज की व्यवस्था है, सभी जो इलेक्ट्रिक के खंभे गिर रहे हैं, रस्ते हो रहे हैं,
पूरे 350 करोड़ रुपए बनने गांव में लाए। जैसे अपने 3 हॉल दिए, उधर के इलाके में भी अपने 6-7 मंगल कार्यालय दे दिए, माड़ी समाज को दे दिया, मराठा समाज को दे दिया, भोई समाज को दे दिया, वाणी समाज को दे दिया। जो छोटे मोटे समाज है, इसके पीछे का मकसद यही था कि भाई शादी की व्यवस्था लोगों की होनी चाहिए। गटर के पास बैठ रहे हैं, वहाँ साले भी कुत्ते घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, गंदगी हो रही है, वही गटर भरी है, वही बदबू आ रही है, वही हम लोग खाना खा रहे हैं। सब ये बातों से छुटकारा पाने के लिए 6-7 मंगल कार्य उधर भी दे दिए, 3 इधर भी दे दिए। आपने और बोला कि हमको 1-2 होना, तो वो भी दे देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस बार सरकार अपनी बात अपनी है, तो पैसे की कोई चिंता नहीं। यहाँ पर जो जो भी लगेंगे वो सब पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे, और बहुत सारे काम है जो मैं गिनाऊंगा तो अभी आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैंने अभी 50 करोड़ के काम किए हैं, तो 300 करोड़ के काम गिनाने हैं, लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं है। ये काम अपन 1-2 महीने में कुछ पूरा करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, जब बड़ी सभा होंगी तब सब बातें मैं यहाँ पर करूँगा। आपको जो ठेकेदार है उनको मैं कहूँगा कि आपको ये काम कल से शुरू कर दे, कल से शुरू कर दे। इन्होंने कहा 2 महीने के अंदर, मैं मतलब इलेक्शन होने के पहले अपने काम पूरे हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर किया है। मैं आज सभी कामों का यहाँ पर भूमि पूजन हो गया है, इसे यहाँ पर ऐलान करता हूँ और अगले कार्यक्रम में जाता हूँ। धन्यवाद। विकास कामांचे भूमि पूजन पार पड़े, ज्या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा पार पडलेला आहे त्या सोहळ्याचे लोकार्पण देखील आज नामदार गिरीश महाजन यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला। कॅमेरामन सचिन माळीसह मी मिनल चौधरी, जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज, जामनेर। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।